ये स्टील फार्मर को हो रहा है, साथ में ये प्रोफाइल सेट कर रहे हैं। ये स्टील फार्मर चेक करें, ये गाड़ी की स्टील फार्मर। अस्सलाम वालेकुम, ये है हमारा जो फंक्शन है डेक्स लैब का, इस पर हमने देना है एक्सपेंशन जॉइंट। ये दोनों साइडों पे हमने 1.5 फीट कंक्रीट छोड़ दिया है, इसके ऊपर हमने स्टील का जॉइंट फिक्स करना है, इसे हम कहते हैं एक्सपेंशन जॉइंट। और ये हमारी है डेक स्लैब, ये हमारी है सर डेक स्लैब। ये इस डेक स्लैब को हम अप्रोच करेंगे गार्डर लॉन्च करने के बाद इस ट्राजम पे। ये देख रहे हैं, ये इसमें हमारा स्ट्रक्चर है, तो ट्राजम, ये हमारा ट्राजम बना हुआ है। स्टील फिक्स करने के बाद हम इस तरह का एक फॉर्मवर्क कंक्रीट को अडाप्ट करने के लिए बनाती हैं। ये देखें, ये है हमारा फॉर्मवर्क, स्टील उसके बीच में हो गया, और ये हमने इसका फॉर्मवर्क जो हमें मतलूबा डिज़ाइन में है उस तरह हमने इसको कास्ट करना है। ये स्टील फिक्स हुआ खड़ा है कंक्रीट बैरियर के लिए, ये देख सकते हैं कंक्रीट बैरियर के लिए स्टील फिक्स हुआ खड़ा है। ये मुख्तलिफ किस्म की स्टील बार्स इन्होंने डिज़ाइन किए हैं और ये फिक्स कर रहे हैं S1 से लेके S19 तक, और मुख्तलिफ टाइप्स की ये स्टील बार हैं। कंक्रीट बैरियर और ये डेक स्लैब के किनारे पे आता है, इसको कहते हैं कंक्रीट बैरियर। ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है, बीच में ये हमारा जार है इलेक्ट्रिक पोल के लिए, जो वायर गुजारेंगे उसके लिए ये फंक्शन है, ये चीज़। और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक पोल फिक्स होगा। ये हमारा है टी बीम बोलते हैं, और टी गर्डर, टी टाइप, इसकी जो शेप है हमारी वो अंग्रेज़ी के रफ हर्फ टी से मिलती जुलती है। ये है जनाब, और इसकी हमारी लेंथ बन रही है 120 फीट। जी अस्सलाम वालेकुम, ये आप देख रहे हैं 120 फीट लेंथ में ये हमारा एक गार्डर स्टील फिक्सिंग हो रही है। ये देखें,